संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाल्मीकि समाज के द्वारा चौरहट्टा के खैरी बस्ती से रैली निकालकर निपनिया फोर्ट रोड घोड़ा चौरा होते हुए मेडिकल ऑडिटोरियम पहुंची, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि बाबा साहेब की जयंती सभी समाज के लोगों के द्वारा मिलकर मनाई जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं पदाधिकारियों ने क्या संदेश दिया है। ताकि हमारे कार्यक्रम की जरूरत शुरुआत हो सके, विश्वास करिए आज के कार्यक्रम में आपको बहुत आनंद आएगा। हमारे बेटी बेटियों ने जो परचम लगाया है और जो अभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होने वाली है, कहाँ तक रैली निकाली, क्या कार्यक्रम किस वजह से मनाया जाता है? 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत, हम लोग खैरी से हर साल रैली निकालते हैं। साल भी खैरी नई बस्ती माध्यमिक विद्यालय से निपनिया होते हुए फोर्ट रोड होते हुए प्रकाश चौराहे सिल्वी प्लाजा से आज श्याम साय मेडिकल ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब का 132वीं जयंती के समारोह पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक कार्यक्रम और हमारे अजास के प्रदेश महामंत्री सीएल सूर्यवंशी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं और सभी संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, लेकिन आज कोई समाज एक और कोई ऐसी बात नहीं है, सभी बाबा साहब के अनुयायी है, जो पूरे विश्व में पूरे 200 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। जो बाबा साहब को जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं वो भगवान की तरह और उनसे भी बड़ा दर्जा प्राप्त करते हैं और लोग उनकी जयंती को मनाते हैं। आज कार्यक्रम में इस जयंती में बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। मेरा हरिराम शास्त्री वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष है। आज हम अजास के द्वारा पूरे प्रदेश में हर जिले में हर तहसील ब्लॉक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी देशवासी प्रदेशवासी एवं अजास के साथियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसा सभी लोग जानते हैं कि विश्व में यदि ज्ञान के प्रतीक थे तो बाबा साहब, मानव को मानव की इज्जत देने वाले थे बाबा साहब, और इस देश को एक सूत्र में बांधने वाले थे बाबा साहब, ऐसे जो मानव को मानव बनाया और सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जो देश में नहीं विश्व में जाने जाते हैं, और एक ऐसे नेता ऐसे महापुरुष है कि जो है पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है और एक आदर्श माना जाता है। ऐसे महापुरुष की हम लोग आज जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुनः हम सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। एस एल सूर्यवंशी, प्रांतीय महासचिव अजाक्ष।